हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कंपटीशन कॉर्नर के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम सिलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी जैम फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स इन द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये पास्ट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो आज हम इन क्वेश्चन को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, और इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप यहाँ से कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीख कर जाएंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम आईआईटी जैम फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल If A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity, it means अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से आपने मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आ जाए then we say that the matrix is orthogonal, okay? तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो A transpose है A into B, B into A is identity, it means A transpose क्या हो जाएगा, A का इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट मींस अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आप उसका इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हो जस्ट कैलकुलेट द ट्रांसपोज। ओके, नंबर टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस वन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है दैट इज प्लस माइनस वन। नंबर टू, रोज एंड कॉलम वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं उनको अगर आप एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर्स बनेंगे। ओके, इट मींस इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए देन एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे is equal to 1 if I equal to j and 0 if I not equal to j। तो ये important observation है कि अगर किसी matrix A orthogonal है उसके जो columns हैं उनको आपने x1 x2 xn से denote किया then xi transpose xj is 1 if I is equal to j, अगर it means अगर आप x1 transpose और x1 को product करेंगे तब 1 आएगा, अगर x1 ट्रांसपोज को x2 से प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इट मींस अगर वेक्टर डिफरेंट होंगे तो ये प्रोडक्ट 0 आएगा, अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस के अंदर भी इसको स्टडी करेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है कि इफ एक्स आई 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, ए ऑफ कोर्स ऑर्थोगोनल है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, देन समेशन एक्स आई ट्रांसपोज आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर लिखा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रिलेटेड। तो अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ब्रीफ में स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर एलजेब्रा के नाम से, एलिमेंट्री एलजेब्रा के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अभी हमने कंसेप्ट को स्टडी किया है, ये कंसेप्ट्स लिखे हैं, इनको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू रूट वन बाय रूट थ्री द मैट्रिक्स माइनस वन टू 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 माइनस वन टू एंड टू टू वन। तो आप ये चेक कर सकते हो कि अगर ए को आप ए के इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इट मींस दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ओके, और अगर आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हो, जस्ट इसको क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। ओके, अब देखिए, सपोज दिस इज वेक्टर एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये जो पूरा कॉलम है इसको मैंने एक्स से डिनोट किया, ये जो कॉलम है इसको वाई से डिनोट किया, और इस कॉलम को मैंने जेड से डिनोट किया। तो ये जो रिजल्ट है इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक्स ये लेते हैं वन बाय रूट थ्री माइनस वन टू टू, ओके, तो एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, वन बाय रूट थ्री, जस्ट ये जो कॉलम वेक्टर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वन टू टू। और अगर आप देखेंगे तो एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, ये आपके पास वन आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, एक्स ट्रांसपोज को पहले रखें, एक्स को बाद में रखें, तो ये आपके पास वन आएगा। बट अगर आप एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास देखिए एक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, आपके पास ये थ्री बाय वन है, थ्री रोज वन कॉलम, और ये है आपके पास वन बाय थ्री, तो थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स आएगी। ओके, इसी तरह से तो बस ये ध्यान रखना आपने कि एक्स ट्रांसपोज एक्स है तो वन आएगा, बट एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज वन नहीं आएगा, ये आपके पास एक थ्री बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। इसी तरह से वाई इंटू वाई ट्रांसपोज भी क्या आएगा, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स आएगी, और जेड इंटू जेड ट्रांसपोज भी क्या आएगा, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स आएगी। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये मैंने आपको फर्स्ट रिजल्ट के बारे में बताया, और ये हमारे सेकंड रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है कि एक्स आई इंटू एक्स आई ट्रांसपोज, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, जेड इंटू जेड ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये दो डिफरेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स को लिखते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो डेफिनेशन आप सभी जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है, ए को हम सिमेट्रिक कहेंगे इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो कुछ रिजल्ट देखिए यहां से, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स में आपने उसको ट्रांसपोज ऐड कर दिया तो दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक, एंड सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सेकेंड रिजल्ट देखिए क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, दीज आर ऑल्सो सिमेट्रिक। इट मीन्स अगर आप ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं और ए ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, नई मैट्रिक्स आएगी, दैट विल ऑल्सो सिमेट्रिक। ओके, तो थर्ड रिजल्ट देखिए जो हम यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। इट मीन्स अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, या तो वो जीरो होंगे या फिर क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी। इट मीन्स अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, देन इट विल नॉट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ओके,
एंड इफ इट इज नॉन जीरो आइगन वैल्यू देन दैट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मस्ट बी इमेजनरी। तो इस रिजल्ट का इम्प्लीकेशन देखिए, इस रिजल्ट के मायने क्या है कि इफ लैम्डा इज ए नॉन जीरो रियल नंबर देन लैम्डा कैन नॉट बी ए करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इंप्लाइज फॉर द नॉन जीरो रियल नंबर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपको पता है कि जब हम आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो है ना। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप जीरो रखते हो, एक्सपेंड करते हो तो आपके पास वो आइगन वैल्यूज आती हैं, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा उसको एक्सपेंड करेंगे तो आइगन वैल्यूज आएंगी। इट मींस अगर लैम्डा नॉन जीरो रियल नंबर है तो लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं होगा, लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मींस डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज नॉन जीरो इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस अगर यहां से देखें, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज नॉन जीरो, क्या मीनिंग हुआ इसका, दिस इंप्लाइज ए माइनस लैम्डा आई इज नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर हुई कब, जब लैम्डा क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। इट मींस कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे उसके लिए ए माइनस लैम्डा आई क्या होगी, नॉन सिंगुलर। एंड दिस इंप्लाइज ए माइनस लैम्डा आई हैज इनवर्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं आइगन वैल्यूज के रिलेटेड। ओके, एक और देखिए कि इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। मैट्रिक कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्डर क्या है, ओड है, देन ए इज सिंगुलर मींस डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इट मींस अगर ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। तो ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ सपोज दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। जब सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो ट्रेस इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा और उसका ट्रेस भी जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में है। हम इस लेक्चर में हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंसेप्ट को ज्यादा यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग करैक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट देखिए, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो देखिए क्या है कंसेप्ट, ये लेट ए बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स देन ए सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ फेमस थ्योरम नोन एज केले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट
ए माइनस लैम्डा आई। जो मैट्रिक्स गिवन है आपको, वहां से आप क्या निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई, नई मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लैम्डा आई और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एन बाई एन मैट्रिक्स है तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा एन डिग्री का। ओके, तो कैसे होगा ये, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन, लाइकवाइज ए टू लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए नॉट। इस तरह से आपके पास एन डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। दिस इंप्लाइज ए रेस टू पावर एन, लैम्डा की जगह ए एन रखेंगे, ए एन माइनस वन ए रेस टू पावर एन माइनस वन एंड ए टू ए स्क्वेयर प्लस ए वन ए प्लस ए नॉट आई, दैट इज ऑलवेज जीरो। सेटिस्फाई करने मीन्स ए मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, इसका रूट बनेगी। ओके, तो दिस इज केले हैमिल्टन थ्योरम एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो यहां से जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ। ओके, नेक्स्ट यहां से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, सपोज ये 3x3 मैट्रिक्स है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये हमने 3x3 मैट्रिक्स लिखा। तो आप यहां से विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए यहां से करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको काफी हेल्प करेगी। कैसे, आप डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई ये आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैसे लिखेंगे आप, 3x3 मैट्रिक्स है तो आपने क्या करना, लैम्डा क्यूब लिखना है माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मीन्स डायगोनल एलिमेंट का सम, ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री, दिस इज द ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस। अब देखिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रो डिलीट करनी है तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, फर्स्ट रो डिलीट करनी है फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो यहां से आपके पास एक डिटर्मिनेंट होगा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो डिलीट की फर्स्ट कॉलम डिलीट किया प्लस, अब आपने क्या करना है, सेकेंड रो डिलीट करनी है और सेकेंड कॉलम। तो ये आएगा ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये जो डिटर्मिनेंट आएंगे इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है आपने, और आपने यहां पर क्या रखना है, लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉन्स्टेंट टर्म की जगह क्या आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, तो इसको हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, काफी हेल्पफुल रिजल्ट है ये। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए रिगार्डिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आप इन सभी रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर एलिमेंट्री अलजेब्रा के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यू एंड वी आर द वेक्टर्स ऑफ आर फोर एंड यू इज गिवन एज 1 2 3 5, रो वेक्टर है उसका ट्रांसपोज, इट मींस इट इज अ कॉलम वेक्टर एंड सिमिलरली वी इज ऑल्सो ए कॉलम वेक्टर। देन यू हैव टू शो दैट, यू हैव टू चेक दैट यू वी ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वी हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। तो देखिए कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स को। तो पहले तो आप यू, आपके पास क्या है,
ये रो वेक्टर का ट्रांसपोज, इट मींस यू इज ए कॉलम वेक्टर, 1 2 3 5, ओके, एंड वी इज आल्सो ए कॉलम वेक्टर, बट आपने क्या लेना है यहां पर, वी ट्रांसपोज। तो वी ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 3 2 1, ये वी वेक्टर है और फिर इसने इसका आपने क्या किया, ट्रांसपोज 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 इज सेम 5 3 2 1, तो ये आपके पास एज इट इज बैक आ जाएगा 5 3 2 1। इट मीन्स u इज ए कॉलम वेक्टर एंड v ट्रांसपोज इज ए रो वेक्टर, ओके। तो अब आपने क्या करना है, u v ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, u v ट्रांसपोज, ओके। तो यहां पर देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये आपके पास 4/1 है, दिस इज 4/1 एंड दिस इज 1/4, तो ये आपके पास 4/4 मैट्रिक्स आएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जस्ट क्या करना है आपने, यहां से सिंगल सिंगल एंट्री लेनी है आपने, ये वन एंट्री लेंगे और इसको एज ए स्केलर, जैसे स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 5 3 2 1, तो ये आएगा आपके पास 5 3 2 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 10 6 4 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 15 9 6 3, इन 5 से मल्टीप्लाई करें 25 15 10 5, तो ये आपके पास यू वी ट्रांसपोज हो गया। इट मीन्स आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई ए। अब आपने क्या करना है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में, तो ये आपके पास ए हो गया, ओके। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनाएंगे 5 3 2 1 10 6 4 2 15 9 6 3 25 15 10 5, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स हुई, x1 x2 x3 x4, तो ये x जो है सॉल्यूशन कॉलम है, तो आपने इसको x1 x2 x3 x4 लिख लिया, इज इक्वल टू v, एंड व्हाट इज v, v इज ए कॉलम वेक्टर 5 3 2 1, तो ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम आ गया। अब यहां से सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ए और बी को आप कंबाइन कर दें 5 3 2 1 एंड दिस इज बी, है ना, तो इसको ये बी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, बी 10 6 4 2 3 15 9 6 3 2 एंड 25 15 10 5 1, तो ये हमारे पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आ गई। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ए का पोर्शन है, दिस इज पोर्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। तो अगर आप यहाँ रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, -4 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, तो ये सारी जो रोज हैं ये आपकी जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी, बिकॉज ये रोज एक दूसरे के मल्टीपल हैं। देखिए ये 2 मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है और ये 5 मल्टीपल है, तो जब आप इसको ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर आपके पास 0 0 0 0 आ जाएगी, ओके। बट अगर इधर देखें तो इधर आपके पास नॉन जीरो कॉलम रहेगा ये, बिकॉज यहाँ मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको रो एकेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आपके पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को रो एकेलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और रैंक निकालते हैं, ओके। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो यहां से हम ये कहते हैं कि अगर रैंक अनइक्वल आ जाए देन ए एक्स इज इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशन, तो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। आपके पास क्यू ए एंड बी दे आर मैट्रिसेस ऑफ एन बाय एन ऑर्डर विद एंट्रीज रियल नंबर, क्यू इज ऑर्थोगोनल, ए इज इनवर्टिबल एंड वी हैव टू शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू आर सेम एज दोज ऑफ ए बी क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू ट्रांसपोज और बी ए इनवर्स। इट मीन्स हमने क्या शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं इनमें से किस मैट्रिक्स के इक्वल होंगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे, दैट इज आइगन वैल्यूज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस आर
सेम। जो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। आइगन वैल्यूज कहिए या करेक्टरिस्टिक रूट्स कहिए, है ना। तो या तो आइगन वैल्यूज बात करेंगे या फिर कहेंगे करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस आर सेम। अब ये सिमिलर मैट्रिसेस क्या हुए, सपोज आपके पास ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, देन वी से दैट ए सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। एंड दिस रिलेशन, सिमिलरिटी रिलेशन जो है, ये इक्वलेंस रिलेशन बनती है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहां पर। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो मैट्रिक्स है इनमें से किसी एक मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो इन उनकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो देखिए कैसे, क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू। ओके, अभी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे थे उनमें आपको मैंने बताया था कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स के। तो यहां पर हमें क्यू ऑर्थोगोनल है तो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इनवर्स ए इनवर्स बी क्यू। तो देखिए ये डेफिनेशन आ गई आपके पास। तो दिस इंप्लाइज क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू इज सिमिलर टू ए इनवर्स बी। ओके, तो ये ए इनवर्स बी इस मैट्रिक्स के सिमिलर हो गई। अब हम ये देखेंगे कि ए इनवर्स बी फर्दर किसके सिमिलर है, सॉरी सिमिलर का निशान लगाते हैं, दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए इनवर्स बी। अब तो अब देखिए ए इनवर्स बी को कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनटू आइडेंटिटी। ओके, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह देखिए हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बी ए इनवर्स ए, क्योंकि आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो ए इनवर्स इनटू ए। ओके, तो ये देखिए हमने मैट्रिक्स ए इनवर्स बी को एक नए तरीके से लिखा, ए इनवर्स बी ए इनवर्स ए। ओके, तो इट मीन्स ए इनवर्स बी इज सिमिलर टू बी इनवर्स ए, बी ए इनवर्स। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बी इज सिमिलर टू बी ए इनवर्स। तो देखिए ये मैट्रिक्स इसके सिमिलर हुई और ये इसके सिमिलर हुई, और सिमिलरिटी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस इंप्लाइज क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू इज सिमिलर टू ए इनवर्स बी एंड इट इज सिमिलर टू बी ए इनवर्स। एंड दिस इंप्लाइज क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू इज सिमिलर टू बी ए इनवर्स। एंड अभी को मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। दिस इंप्लाइज क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी एंड क्यू हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एज दैट ऑफ बी ए इनवर्स। तो बी ए इनवर्स और इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे, सेम होंगे। तो आंसर इज 4। ओके, दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपके पास मैट्रिक्स एम है, आई इज द 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन हमने ये चेक करना है ये जो मैट्रिक्स एम है इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह से क्वेश्चन हो और ये आपको देखिए पोलिनोमियल नजर आ रहा है, ये सभी पोलिनोमियल्स हैं, और आपने सेटिस्फाई क्या करना है कि एम इनमें से किस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, ये आपने चेक करना है। ओके, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपने करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है, और मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट एम माइनस लैम्डा आई, ओके इक्वल टू जीरो रख देंगे तो क्या बन जाएगी ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने चेक करना है कि एम इनमें से किस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एम, ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आप देखिए क्या आएगा आंसर, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम 1/4, यहां पर लैम्डा लिखे 1/4 प्लस 2/5 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा 1/4 इंटू 2/5 माइनस
3 by 4 into 3 by 5 equal to 0. This implies lambda square minus, this is 20 LCM ले लें, तो आपके पास आएगा 5 plus 8, okay, lambda plus, यहां से देखिए, 2 by 20 minus 9 by 20 equal to 0, and this implies lambda square minus 13 by 20 lambda plus, यहां से आएगा, minus 7 by 20 equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेकर, तो आएगा 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई मैट्रिक्स की। और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। 20 एम स्क्वायर लैम्डा की जगह एम रख दें माइनस 13 एम माइनस 7 आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई, एम मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है, एंड दिस इज द योर आंसर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, एम मैट्रिक्स है आपके पास एंड एक्स वाई जेड आर द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एम। एक्स कॉलम है, वाई कॉलम है और जेड कॉलम है। ओके, देन क्यू आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्यू एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज। तो हमने चेक करना है क्यू इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्या क्यू स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है या ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइदर क्यू स्क्वायर इज क्यू और क्यू जेड इज इक्वल टू जेड। तो इनमें से देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। देखिए क्यू ट्रांसपोज देखिए आप, क्यू ट्रांसपोज क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, यहाँ से दिस इज ए दिस इज बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एडिशन में सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से आएगा एक्स ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज एक्स एंड फिर एक्स ट्रांसपोज, फिर वाई ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज वाई एंड वाई ट्रांसपोज। तो वापस आपके पास क्यू आ गया, इट मीन्स क्यू इज सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल्ड। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और एक्स वाई जेड इट्स कॉलम, इट्स कॉलम, तो हम यहां पर ये रिजल्ट यूज करेंगे, एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इज वन, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जब आप एक्स ट्रांसपोज को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। सिमिलरली वाई ट्रांसपोज को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज प्लस जेड इंटू जेड ट्रांसपोज, दिस इज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज प्लस जेड इंटू जेड ट्रांसपोज आइडेंटिटी आएगा। तो इसलिए ये जो क्यू है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आइडेंटिटी होने के लिए जेड प्लस जेड ट्रांसपोज भी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका रूल्ड आउट हो गया। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि क्यू जेड इज इक्वल टू जेड हो सकता है या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो क्यू आपके पास मैट्रिक्स है एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, क्यू स्क्वायर देखिए क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, क्यू से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज। ये एक्स वाई जेड आपके कॉलम वेक्टर, कॉलम है ये वेक्टर्स, ठीक है। तो जस्ट आपके मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करें इनको, इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, तो हमने x इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस y इंटू वाई ट्रांसपोज एंड x इंटू एक्स ट्रांसपोज। इस टर्म को आपने फिर से मल्टीप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट, अब आप क्या करें, x इंटू एक्स ट्रांसपोज y इंटू वाई ट्रांसपोज, लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, y इंटू वाई ट्रांसपोज
इंटू वाई इंटू वाई ट्रांसपोज। तो देखिए x ट्रांसपोज इंटू x क्या आएगा, 1। तो 1 यहां पर आ गया आपके पास, 1 स्केलर की तरह काम करेगा, बाहर आ जाएगा, तो जस्ट ये रह जाएगा हमारे पास x इंटू x ट्रांसपोज। ऐसे ही y ट्रांसपोज इंटू x क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट होंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, y ट्रांसपोज इंटू y, ये फिर 1 हो गया, तो ये बचा हमारे पास y इंटू y ट्रांसपोज, दिस इज q, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर हो सकता है, अभी इसको भी चेक कर लेते हैं, क्यू जेड इज इक्वल टू जेड हो सकता है या नहीं। ओके नाउ क्यू आपके पास दोबारा लिखें, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्यू जेड देखिए क्या आएगा, क्यू जेड एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज, और इसको जेड से कंबाइन कर दें, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू जेड प्लस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज इंटू जेड, ये फिर क्या हो जाएगा, जीरो, दिस इज अगेन जीरो, तो क्यू जेड इज नॉट इक्वल टू जेड, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, जस्ट आंसर इज योर सी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एम इज ए 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके तो हमने ये चेक करना है कि आइदर एम इज इनवर्टिबल और देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा सच दैट अल्फा आई प्लस एम इज नॉट इनवर्टिबल और आई प्लस एम इज इनवर्टिबल और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल। ओके तो अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये आपके पास 3x3 ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, ऑड है, 3x3 है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑड ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर की है, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके तो सॉल्यूशन देखिए, यहां से डिटरमिनेंट एम क्या आएगा, जीरो, बिकॉज एम इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एम जीरो हो गया, तो एम इनवर्टिबल नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल्ड। ओके और मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, या तो जीरो आएंगी या फिर क्या आएंगी, प्योरली इमेजिनरी आएंगी। ओके तो इसलिए ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एम इज नॉट और नॉट रियल, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखते हैं सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ओके तो अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि इफ एम इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, डिटरमिनेंट एम माइनस लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अगर एम स्क्यू सिमेट्रिक है तो किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, इट मीन्स ये इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगी, अगर एम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है और लैम्डा कैसा है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ओके तो एम ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एम के। तो अगर आप यहां से देखें लैम्डा आई माइनस एम लिख सकते हैं इसको, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा आई माइनस एम। ओके और अगर मैं यहां से लैम्डा आई माइनस एम ट्रांसपोज कैलकुलेट करूं तब भी क्या आएगा, लैम्डा आई माइनस एम ट्रांसपोज के आपके पास माइनस एम, क्योंकि एम ट्रांसपोज क्या है, माइनस एम, दिस इंप्लाइज लैम्डा आई प्लस एम इट। और आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसके ट्रांसपोज का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सेम होता है, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सेम होगा, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लैम्डा आई प्लस एम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा, इट मीन्स कोई भी नॉन जीरो वैल्यू के लिए लैम्डा आई प्लस एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जब जब आपका लैम्डा नॉन जीरो रहेगा ये इन्वर्टिबल रहेगी, लैम्डा आई प्लस एम का जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो हो गया, इट मीन्स अगर आपका लैम्डा नॉन जीरो है तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स हमेशा निकाल सकते हो, कब, जब लैम्डा क्या है, नॉन जीरो है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि एक नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा जिसके लिए लैम्डा आई या अल्फा आई इज नॉट इन्वर्टिबल, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास ये रियल नंबर होगा दिस इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। ओके तो ओनली ऑप्शन इज दैट आई प्लस एम इज इन्वर्टिबल, तो आंसर इज 3। और वैसे भी अगर आप देखें एम आपके पास क्या है, 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो ये मैट्रिक्स ऐसी होगी, डायगनल एलिमेंट जीरो होंगे, माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप ए रखें, यहाँ पर बी रखें, यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ आप माइनस सी रखें, यहाँ पर सी रखेंगे, ओके, यहाँ भी क्या रहेगा, जीरो। तो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है, ओके। तो यहाँ से आई प्लस एम निकाल लें, आई प्लस एम क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दें, वन माइनस ए माइनस बी, ए वन माइनस सी, बी सी वन, ओके, वन वन ऐड कर दिया आपने यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दी, तो वन माइनस ए माइनस बी, ए वन माइनस सी, बी सी वन। तो अगर आप देखेंगे तो ये दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो इट मीन्स आई प्लस एम इज इन्वर्टिबल। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर में, इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लेक्चर हमने इसलिए आपके लिए डिज़ाइन किया है कि ताकि आप लोग जो महंगी कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग है, उससे बच सकें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को इस लेक्चर का फ़ायदा हो, तो इसके लिए आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। हम और भी आपके लिए जो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स है वहाँ से कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिससे आप IIT जैम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।